किसान विरोधी बिल को लेकर भड़के किसान आंदोलन की आग पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले के डबरा तक पहुंच गई, जहां पर किसानों ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ नेशनल हाईवे पर तंबू गाड़कर धरना देना प्रारंभ कर दिया है। किसानों की चेतावनी है कि किसान विरोधी बिल यदि वापस नहीं लिया गया तो वे इस आंदोलन को आगे चलकर देशव्यापी चक्का जाम का रूप देंगे। वहीं पर कई राज्यों ने इस बिल को अपने राज्यों में लागू नहीं होने दिया है। मध्य प्रदेश के किसान भी यही मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इस बिल को लागू न किया जाए, जिसको लेकर प्रदेश भर के किसानों ने लामबंद होना प्रारंभ कर दिया है। इस आंदोलन में किसानों का साथ देने के लिए सनातन संस्कृति प्रचारक कथावाचक कृष्णा देवी भी किसानों की लड़ाई में शामिल होने किसानों के बीच पहुंच गई है। इससे पहले कृष्णा देवी मंडी प्रांगण में दिए गए धरने आंदोलनों में भी किसानों का साथ देती रही है, जिसके चलते कृष्णा देवी पर डबरा थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। उसके बाद भी कृष्णा देवी के हौसले को हिला कोई नहीं सका और कृष्णा देवी आज दिए जा रहे देशव्यापी धरने में फिर किसानों की लड़ाई लड़ने किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। एक दिन वो आएगा जब किसान अपने ही खेत में एक बंधुआ मजदूर होकर के काम करेगा, ना उसका उसके खेत पर अधिकार होगा और ना ही उसकी फसलों पर अधिकार होगा। चुनाव से पहले कलेक्टर साहब भी आए थे और उन्होंने भी मंडी परिसर में, आप भी थी साथ में, क्या आश्वासन दी थी, फिर आप ये आंदोलन क्यों कर रही है? उन्होंने ये कहा था कि जो शासन के संबंध में जो हमारी मांगे हैं वो शासन को भेज रहे हैं। बाकी जो भी हमने मंडी संबंधी जो मांगी थी प्रशासन के अंदर में जो आती है, प्रशासन के अधिकार में जो आती है, लेकिन उनमें ऐसा कोई भी बदलाव या ऐसा कोई भी सुधार नहीं किया गया अब तक। हम लोग बराबर वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बराबर आप देखें वहाँ पे मंडी में जा करके कि वहाँ पर कितना लूटा जा रहा है किसानों को। किसान पहले ही लूटा हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि जो आश्वासन दिया था कोई नहीं निकला? बिल्कुल, उसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं निकली। हम लोग जीतोड़ रात दिन वहाँ बार बार हर रोज़ वहाँ जा रहे हैं। अभी तो 5-6 दिन के लिए मंडी बंदी कर दी है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग सबसे मिले, लेकिन स्थिति इतनी दयनीय है कि आप कौन किसकी सुने। तो किसानों की संख्या कम क्यों आज यहाँ पे? कुछ संख्या इसलिए भी है कि आप देख लो यहाँ पे किसानों से ज़्यादा तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खेत में काम करने वाला किसान इतना साइसी नहीं होता है, वो बहुत छोटे स्तर का होता है। छोटे स्तर से मतलब कि इन सारे पचड़ों को पढ़ना नहीं चाहता। कई किसान ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी भर, जिनकी पीढ़ियां बीत गई हों, आज तक खाने का मुंह नहीं देखा होगा। किसानों को लेकर एक FIR भी दर्ज डबरा देहात में की गई थी। हाँ। उसको वापस लेने की मांग की गई थी, शासन ने कहा था ले लेंगे, क्या हुआ उसका? नहीं, अभी तक कोई FIR वापस नहीं हुई है और यथावत शायद कलेक्टर साहब ने भी कहा था कि वो 5 को शायद वापस होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते और नहीं भी होती है, और भी FIR दर्ज हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अब किसान जब अपने घर में ही मर रहा है तो बाहर आके मरेगा, लड़के मरेगा, अपने अधिकार के लिए लड़के मरेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर में बैठेगा तो घर में सामूहिक आत्मदाह करने पड़ेंगे लोगों को। तो क्या आप चक्का जाम की स्थिति कर रहे हैं? चक्का जाम हमारी तैयारी पूरी है, बाकी देखा जाएगा जैसा भी चल रहा है।